हेलो एंड वेलकम बैक टू फन एंड चिल, जहां हम आपको देते हैं फन का डेली डोज। आज हम एक ऐसी मूवी के टीजर की बात करने जा रहे हैं जिसका इंतजार सबको बहुत समय से है, भूल भुलैया 3। इसका नाम सुनते ही विद्या बालन का मंजुलिका वाला रूप हमारे सामने आ जाता है और साथ ही कार्तिक आर्यन का रूह बाबा। तो आइए जानते हैं क्या है इसके टीजर में। अनीस बज्मी की डायरेक्टेड और कार्तिक आर्यन, तृप्ति डिमरी, विद्या बालन स्टारर मूवी भूल भुलैया 3 का टीजर रिलीज कर दिया गया है। पिछले 2 बार की हिट रही मूवी से इस बार भी फैंस को खासा उम्मीद है। टीजर लाजवाब है, मजेदार है और थोड़ा डरावना भी। इसमें विद्या बालन फिर से मंजुलिका बनकर लौटी हैं और अपने सिंहासन को लेने आई हैं। विद्या बालन जहां भूल भुलैया 3 में मंजुलिका बनी हुई हैं, वहीं कार्तिक आर्यन फिर से रूह बाबा के किरदार में नजर आ रहे हैं, जो भूतों को नहीं मानते और जब वह सामने आ जाता है तो उनकी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है, माथे पर पसीना आ जाता है और घबरा कर वह एक मूरत बन जाते हैं। भूल भुलैया 3 के टीजर ने व्यूअर्स को एक्साइटेड करने और मूवी की रिलीज के लिए उनके इंतजार को मुश्किल बनाने के लिए काफी कुछ दिया है। विद्या की एक्टिंग, उनकी ठहाकेदार हंसी और झकझोर देने वाले डायलॉग ऑडियंस के रोंगटे खड़े कर दे रहे हैं। अनीस बज्मी की डायरेक्टेड यह हॉरर कॉमेडी फ्रेंचाइजी की तीसरी फिल्म है। यही नहीं, कार्तिक उतने ही दमदार दिखाई दे रहे हैं जितने वे दूसरी मूवी में दिखे थे। टीजर की शुरुआत अमित चेतुमार के ऑडियो से होती है और विद्या की शानदार वापसी का पता चलता है। हमें पहली फिल्म की डरावने सीन की याद आती है जहां उन्होंने अपने हाथों से बिस्तर उठाया था। इस बार वह एक भारी कुर्सी उठाती है और जोर से चिल्लाती है। कार्तिक आर्यन रूह बाबा के कैरेक्टर में वापस आ गए हैं, जो एक तरह का भूत शिकारी है जिसे मंजुलिका के भूत को पकड़ने का काम दिया गया है। तृप्ति डिमरी कार्तिक की लवर के रोल में है। इस फिल्म में कार्तिक आर्यन के अपोजिट तृप्ति डिमरी नजर आ रही है, जिन्होंने एक तरह से कियारा आडवाणी को रिप्लेस किया है। भूल भुलैया 2 में कार्तिक और कियारा का रोमांस देखने को मिला था और तब्बू ने डबल रोल किया था। वहीं इस बार विद्या बालन दिखाई देंगे लेकिन एकदम अलग रोल में। भूल भुलैया 3 का रोहित शेट्टी की फिल्म सिंघम अगेन से क्लैश होगा। दोनों ही दिवाली के मौके पर 1 नवंबर को थिएटर में दस्तक दे रहे हैं। हालांकि बीच में खबर थी कि दोनों में से कोई एक अपनी रिलीज डेट आगे पीछे कर रहा है, मगर किसी ने ऐसा नहीं किया। दोनों बड़ी फिल्म है और दोनों की ही एक अलग फैन बेस है। कार्तिक की मूवी एक हॉरर कॉमेडी है तो अजय देवगन की फिल्म एक्शन ड्रामा से भरपूर है। ये तो था हमारा टीजर रिव्यू। आपको टीजर कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन गुड बाय।